हे फूडीज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं जा रहा हूँ लंच करने के लिए विथ माय वन एंड ओनली लव। मम्मी इधर देख तो लो कम से कम। तो आज मैं जा रहा हूँ लंच करने के लिए, और मैं कोई ऐसे वैसे जगह नहीं जा रहा हूँ लंच करने के लिए। आज मैं जा रहा हूँ एक एयरक्राफ्ट के अंदर लंच करने के लिए। अब ये कैसा एयरक्राफ्ट है, कहाँ है, क्या है, वो मैं जाके ही बताऊँगा। तो मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट एक बार ही उधर जाके इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। और एक बात, मैं एक या दो दिन, मतलब कल या परसों निकलने वाला हूँ पटना के लिए। वहाँ कुछ मेरा काम है एक, तो सारे लोग मेरे को अभी तक जो इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो, फटाफट फॉलो कर लो, क्योंकि जैसा भी हो मैं वहीं पे अपडेट वगैरह करते रहता हूँ। तो पहले अभी मैं जाता हूँ वहाँ, और आप लोग को भी थोड़ा दिखाता हूँ कि कैसा है वो एयरक्राफ्ट और कहाँ आज मैं करने वाला हूँ लंच। ओके, तो ये मैं आ गया हूँ फ्लैट्स के बाहर। अभी तक से मुझे जाना है ऊपर, बिल्कुल यार एयरक्राफ्ट वाली फीलिंग आ रही है। ये यहाँ से आ जाना है, और वहाँ पे मुझे वो गेट भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, बिल्कुल एयरक्राफ्ट जैसे बनाया हुआ है, काफ़ी कमाल का है। तो चलो चलते हैं अंदर, और आपको भी दिखाते हैं कि अंदर में क्या है, कैसा है, अंदर चलते हैं। ओके, तो अगर आपके पास कार वगैरह है तो आप आराम से आ सकते हो, यहाँ पर अपना पार्क करो और ऊपर जाओ खाने के लिए। ऑलराइट, तो मैं आ गया हूँ एयरक्राफ्ट के अंदर, एज यू कैन सी। और बाय द वे, ये जो है इस रेस्टोरेंट का नाम है फ्लायर्स मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट, और ये एरोप्लेन थीम पे बेस्ड है, मतलब एरोप्लेन थीम पे इनको बनाया गया है। और आप देख सकते हो यार, काफ़ी ये चीज़ काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, मतलब लग रहा है कि लिटरली देखो, ये देखो, मतलब कोई बोलेगा ही नहीं कि मैं एरोप्लेन में नहीं हुई, ये देखो। तो एज यू कैन सी, अभी हम लोग रनवे पे हैं और हम लोगों की फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करने वाली है। तो स्टार्टर्स के लिए मैंने यहाँ पे केरला मटन सूप और एक चिली मिली फिश एंड स्मोक चिकन, ये तीन चीज़ स्टार्टर्स के लिए मैंने ऑर्डर करा है। अब ये जब आता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, तो फाइनली हम लोग टेक ऑफ कर चुके हैं। अब ये पता नहीं लोकेशन कौन सा, लेकिन देख लो। तो ये फ़िलहाल तो तब से उड़े जा रहा है, और ये हम लोग का फर्स्ट स्टार्टर्स आ चुका है, केरला मटन सूप। अब ये कैसा है कैसा नहीं है, मैं इसको टेस्ट करूँगा तभी बताऊँगा, अदरवाइज ये देख लो। सो सबसे पहले मैं यहाँ का करता हूँ टेस्ट इस मटन सूप को। काफ़ी बटरी लग रहा है वैसे, और बीच बीच में मटन का वो जो चंक सब होता है ना, वो भी आ रहा है। मैं इसी के बात कर रहा था, देखो बीच बीच में यही मटन का चंक्स सब आ रहा है मुंह में। कमाल का है। अब इसके बाद जो मैंने ऑर्डर किया है वो है चिल्ली मिली फिश, वो कैसा होता है वो जब आता है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, पहले आ जाने दो। ओके, तो ये आ गया मेरा दूसरा स्टार्टर्स चिली मिली फिश, और वैसे इसमें यूज़ किया गया है ये वेट की फिश। काफ़ी सारे पेपर्स दिख रहे हैं मेरे को, और करी पत्ता वगैरह, कोरिएंडर वगैरह, काफ़ी कुछ है। वैसे देखकर तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है, फटाफट अब मैं इसे ट्राई करता हूँ, बताता हूँ कि मुझे इसका टेस्ट कैसा लगा। तो इस चिली मिली फिश में करी पत्ता का जो फ्लेवर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे ये जो वेट की फिश है ये काफ़ी स्पॉन्जी है। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस कराई है, जो इसमें वेट की फिश जो यूज़ किया गया था ये काफ़ी फ्रेश लग रहा था और काफ़ी स्पॉन्जी भी था, ये देख लो ये। और ये मेरा आ गया तीसरा स्टार्टर्स स्मोक चिकन। अब जल्दी से मैं करता हूँ टेस्ट इस स्मोकी चिकन को। चिकन वैसे काफ़ी सॉफ्ट है, और ये ग्रेवी की वजह से, जो भी ये ग्रेवी है इसके वजह से काफ़ी अच्छा एक टैंगी फ्लेवर आ रहा है। मस्ट ट्राई है यार इस स्मोक चिकन को, मस्ट ट्राई। तो इस स्मोक चिकन को तो 100% ट्राई करना। और अब आ गया हम लोग का ये तीसरा स्टार्टर्स, जिसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, आप थोड़ा नाम बता दीजिए। इसका नाम है अजवाइन मेथी
चीज टिक्का कबाब। अच्छा नाम पता चल गया होगा, मैं वापस से रिपीट नहीं करने वाला हूँ, फिर भी देख लो। और इस चीज़ को देखो कितने अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर रखा हुआ है, मतलब ड्रेसिंग तो वाकई में काफ़ी कमाल का किया गया है साथ में इस चटनी के साथ। मैं अब डिप करके इसको फटाफट टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि मुझे इसका टेस्ट कैसा लगा। और ये तो यार बहुत सही चीज़ है, जब भी इधर का चक्कर लगे तो इस स्मोक चिकन को ज़रूर ट्राई करना। तो अगर मैं बात करूँ इस अजवाइन मेथी टिक्का चिकन की, तो कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है लेकिन थोड़ा यूनिक लगा। तो इस देखो अब क्या है कि इन सब चीज़ों को मैं ज़्यादा टेस्ट करता नहीं हूँ, अजवाइन मेथी ये सब फ्लेवर मतलब टोटली डिफरेंट है, लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करा है, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और साथ में ये जो ऊपर में चीज़ है ना, मतलब ये काम को और भी आसान कर दे रहा है, अदरवाइज़ काफ़ी मतलब चबाना पड़ रहा है, बट इस चीज़ की वजह से एक अच्छा सा आपको सॉफ्टनेस मिल जा रहा है अंदर में। चिकन तो काफ़ी सॉफ्ट है जैसे कि मैंने बताया, तो ओवरऑल ये भी कमाल है। एंड आपको ही पता है कि मुझे इस टाइप के चिकन टिक्का टाइप के आइटम काफ़ी पसंद है, तो उनमें से ये एक है। थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर में लेकिन चलेगा। तो अभी तक तो फिलहाल मेरे को लगता है मेरे स्टार्टर से ही पेट भर जाएगा, और स्टार्टर से इनका वाकई में काफ़ी कमाल का है, और प्राइस के हिसाब से मेरे को अभी तक काफ़ी रिजनेबल लग रहा है ये सब। अब टाइम है मेन कोर्स में कुछ ट्राई करने का, और मेन कोर्स में मैंने क्या क्या मंगाया है पहले ऑर्डर कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मेन कोर्स में मैंने क्या क्या मंगाया है। तो मेन कोर्स में मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे ये फायर पर्दा गोश्त पुलाव चिकन, और ये आ गया फायर लावा गोश्त चिकन, और ये जब आया था ना ये लिटरली उबल रहा था मैंने देखा। और लास्टली ये आ गया घी रोस्ट चिकन, जहाँ पे आपका अपना एक छोटा सा ओवन टाइप का है, अपने हिसाब से आप इसको गर्म करो ये करो, अगर आपको थोड़ा रुक के भी खाना है तो जैसे आप अपने फ्रेंड वगैरह से बातचीत कर लो और अपने हिसाब से इसको आप गर्म वगैरह भी कर सकते हो। और मैं दिखाता हूँ ये दिखता कैसा है, ये देख लो, ये काफ़ी कमाल का चीज़ है यार, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। और दिया गया है वैसे लेग पीस, और देख कर तो काफ़ी मेरे को लग रहा है स्पाइसी होगा कलर देख कर, बट ये कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? बटर भी है, चीज़ बटरी यार कमाल का। ये जो है ये पूरा बोलने से बॉल्स बनता है, बहुत गर्म है। कॉन्सेप्ट देख रहे हो बॉस, मतलब लिटरली मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ और ट्राई करने वाला हूँ। अच्छा ये बेक, ये प्रिपरेशन होने के बाद इसके अंदर स्टफ किया जाता है, फिर उसके बाद बेक किया जाता है ना। ओके होता है उसको बस स्टफिंग, उसके बाद बेक। कमाल, ठीक है सर्व करो। ओवरऑल ये हो गया मेरा आज का मेन कोर्स घी रोस्ट चिकन, राइट? यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये ठंडा हो चुका है तो नीचे में देखो ऑन करने का दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे ऑन कर लो और ये होने लगेगा स्टार्ट का। ये देखो गर्म होना स्टार्ट भी हो गया, इनफैक्ट गर्म भी हो गया, बस भैया निकाल दो। तो मैं जल्दी से करता हूँ इन सबको टेस्ट और बताता हूँ कि कैसा लगा मुझे इनका मेन कोर्स। तो सबसे पहले तो मैं इनका टेस्ट करने वाला हूँ इस फायर पर्दा गोश्त पुलाव चिकन को विथ लावा गोश्त चिकन। सबसे पहले इन सबको सिंगल सिंगल टेस्ट करता हूँ, तब इन सबका प्रॉपर मुझे टेस्ट पता चलेगा। पहले इस फायर लावा गोश्त चिकन को टेस्ट करता हूँ। मुँह में जाते बिल्कुल घुलता गया, काफ़ी अच्छे तरीके से कुक किया गया है लिटरली, मतलब मुँह में जाते एकदम घुल सा गया। अब मैं इस पर ग्रेवी के साथ इस पुलाव को करता हूँ टेस्ट।
और ये जो पुलाव है ना यार, मतलब इसमें हल्का सा स्वीटनेस है, बिल्कुल रॉयल टच है यार इसमें, तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा। अब टेस्ट करता हूँ मैं इस घी रोस्ट चिकन को। सबसे पहले इसके ग्रेवी को टेस्ट करता हूँ मैं। टैंगी, स्मोकी, हल्का सा स्पाइसी, यार कमाल का टच है यार इसमें, इस घी रोस्ट चिकन में। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो इस घी रोस्ट चिकन को भी 100% ट्राई करना। ऐसे एम्बियंस के साथ ऐसा खाना मिले, मतलब यार परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एंड बेवरेजेस में हम लोगों ने अपने लिए ये नींबूज ऑर्डर किया है, और ये मेरा मेन कोर्स जो कि कमाल का मेन कोर्स। तो फर्स्ट क्लास मैंने खाना खा लिया है, और मैंने यहाँ पे जो इनका स्टार्टर्स एंड मेन कोर्स ट्राई करा, और मैंने एक चीज़ नोटिस करा, इनका स्टार्टर्स से अच्छा मुझे मेन कोर्स लगा। और एक चीज़ और भी मैंने नोटिस करा, जो कि ये है कि इनके हर डिश में मैंने नोटिस करा कि करी पत्ता यूज़ होता है, जो कि थोड़ा यूनिक फ्लेवर है, क्योंकि आप किसी भी मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट में जाओ मैक्सिमम सेम टाइप का ही टेस्ट मिलता है, लेकिन ये जो करी पत्ता वाला जो टेस्ट है ना, ऐसा मैंने हैदराबाद के मतलब रेस्टोरेंट सब में मैंने देखा था। वहाँ के नूडल्स भी मैं खाता था तो उसमें भी करी पत्ता रहता था, या फिर कुछ भी खाता था तो करी पत्ता उसमें रहता ही था। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक लगा मुझे, और ओवरऑल इनका मेन कोर्स मुझे वाकई में कमाल का लगा। तो होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और ये एम्बियंस देख लो, मतलब यार एम्बियंस के तो पूरे नंबर, और मेन कोर्स भी इतना अच्छा कमाल का मिला। तो ओवरऑल खाना वगैरह तो सब कुछ यहाँ का बढ़िया था। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को दिखने में सबसे बेस्ट क्या लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और इधर आए हो आप तो आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना, अगर आना चाहते हो तो मुझे बताना ज़रूर। तो बस होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना लाइक, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अभी भी मेरा फ्लाइट उड़ ही रहा है, पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, चलो बाय। और वैसे कल मेरा फ्लाइट है भाई दबे पटना के लिए, चलो भाई।